सावधान सिद्ध ब्रह्मनाथ। शांति 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 ही स्वस्थ। नमस्कार, नवम श्रेणीर समस्त शिशु भाई भोनी मानंकु आजिरो कालांशकु स्वागत तथा अभिनंदन। शिशु माने आमे गत कालांशरे मिलित जातिसंघर संपूर्ण अध्यायटिकु आमे पुनरालोचना करि सारिछे। वर्तमान आजिरो अध्यायर नाम होला फासीवाद ओ न्यायवादर विकास। तो पिलामाने आमे समस्ते वीडियो क्लास रे देखी थिले, आमे पूर्व पाठ रे देखी थिले ना फासीवाद और नाजीवाद कौन। जेतेबेले प्रथम विश्वयुद्ध सरला समग्र विश्व रे कौन देखा दीला ना आर्थिक अनाटन देखा दीला, आर्थिक स्थिति संपूर्ण रूपे दुर्बल होता, राजनैतिक अस्थिरता देखा दीला, बेकारी समस्या देखा दीला। जो श्रमिक मैंने कलकारखाना कार्य करुले सामरिक किंवा बेसामरिक कलकारखाना गुड़िक बंद हो श्रमिक मैंने बेकार होगी बाहर ता सहित जेहेतु कृषिजात द्रव्यर उत्पादन हलानी तेणु कलकारखाना गुड़िक बंद हो गला। तद्वारा कौन है कृषिजात द्रव्य गुड़िक बंद हो गला उत्पादन होगा। तो जेहेतु कृषिजात द्रव्यर उत्पादन नहीं शिल्पजात द्रव्यर उत्पादन नहीं तेणु वाणिज्य व्यवसाय संपूर्ण रूपे बाधाप्राप्त होगा। एपरि भाव आर्थिक उन्नतिर आर्थिक विकासर तीनोटी जाक उच्च कृषि शिल्प एवं वाणिज्य संपूर्ण रूपे विपर्यस्त होला। फळरे अधिकांश देश रे बेकार श्रमिक माने वो कृषक माने बाहर दे से माने आंदोलन करले। तो ए जो आंदोलन को कौन बोली कहगला समाजवादी साम्यवादी आंदोलन बोली कहगला। एवं एही समाजवादी साम्यवादी आंदोलन को दमन करिबा पाई किछि देशरे जेउ फासीवादी शक्ति मानकर उत्थान हला एकछत्रवाद शासन आरंभ हला सेही ताकु आमे कोन बोली कहंती बा जो देश गुड़िक जो समाजवादी साम्यवादी आंदोलन को दमन करिबा पाई गोटे प्रकार फासीवादी शक्ति मानकर उत्थान होइतिला ताकु कहगला एकछत्रवाद शासन प्रतिष्ठा। तर आम दुईट उदाहरण देखा गोटे इटाली फासीवाद आ गए जर्मानी में नाजीवाद। किंतु ता पूर्व प्रश्न पड़ो जिते बड़े 1929-1933 विश्व में आर्थिक मंदावस्था देखा देता से ही समय प्राय सबू देश आर्थिक दुर्बल जो आर्थिक विपर्यस जो प्रभावित होते मात्र गोटे देश को बाद कौ देश प्रभावित हो नाला सोभिएत रुष। कौन कारण थी सोभिएत रु से आर्थिक मंदावस्था द्वारा प्रभावित हो नाला कहीं कारण सोभिएत रुष राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन 1928 पंचवार्षिक योजना प्रणयन करते जोद्वारा कि सोभिएत रुष अर्थनीति कौन दुर्बल हो नाला सोभिएत रुष आर्थिक अनाटन देखा दे नाला। अच्छा, तो पे प्रथम देखा आम बर्तमान इटाली फासीवाद। आम समस्ते जाने इटाली प्रथम विश्वयुद्ध मित्र शक्ति अर्थात इटाली विजयी राष्ट्र होगा सत्वे इटाली को कौन सी प्रकार लाभ मिल नाला तेणु इटाली प्यारी शांति सम्मेलन निराश हो फेरी एवं इटाली रे जो एकछत्रवाद शासन मुंड टेक उठीला जो फासीवादी शक्ति मान उत्थान होता ताकु कौन बोली कहगला फासीवाद। एवं फासीवादी दल चिंताधारा को कौन बोली कहती फासीवाद। फासीवादी दल मूल लक्ष्य कौन थिला ना
ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଜଣଙ୍କ ହାତରେ କିମ୍ବା କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଶରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଥିଲା ଆର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଇଟାଲୀରେ ଯେଉଁ ଫାସିବାଦୀ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା ତାର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ ଥିଲେ? ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି। ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ଥିଲେ ଇଟାଲୀରେ ଫାସିବାଦୀ ଦଳର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି 1883 ଇଟାଲୀର ରୋମାନ୍ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ରୋମାନ୍ ସହରରେ 1883 ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ଗୋଟେ ସୈନିକ ରୂପେ ଇଟାଲୀ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ଦଳର ନାମ ଥିଲା ଫାସିବାଦୀ ଦଳ। ସେହି ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଫାସିବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ବା ଚିହ୍ନ ଥିଲା କୁରାଡ଼ି ସହ ବିଡ଼ାଏ କାଠି। ଫାସିବାଦୀ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଫାସିସ୍ରୁ ଆସିଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁରାଡ଼ି ସହ ବିଡ଼ାଏ କାଠି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇଟାଲୀର ରୋମାନ୍ ଠାରେ 1883 ମୁସୋଲିନି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା 1883 ରୋମାନ୍ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଫେରନ୍ତା ବେକାର ସୈନିକ ଦେଶଭକ୍ତ ନାଗରିକ ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଫାସିବାଦୀ ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ବୁଝିଗଲେ? କ'ଣ ଗଠନ କଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଫେରନ୍ତା ବେକାର ସୈନିକ ଦେଶଭକ୍ତ ନାଗରିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କଲେ ଯାହାକୁ ଫାସିବାଦୀ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଫାସିବାଦୀ ଦଳର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କେତେକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? କଳା କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ। କଳା କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ମନେ ରହିଲା? କଳା କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଳା କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି? କ'ଣ ନା ଫାସିବାଦୀ ଦଳର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି କେତେକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଳା କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଳା କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ସମାଜବାଦୀ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ତ 1921 ଇଟାଲୀରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ଫାସିବାଦୀ ଦଳ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରିଲାନି। ତେଣୁ 1922 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 28 ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ରୋମର ରାଜଧାନୀ ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେଥିରେ ଇଟାଲୀର ରାଜା ଥିଲେ ତୃତୀୟ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ। ସେ ଏଇଭଳିଆ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1922 ଅକ୍ଟୋବର 29 ମୁସୋଲିନିଙ୍କୁ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ହେଲେ? 1922 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ବୁଝିଗଲେ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଟାଲୀରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ବା ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି। ଯେତେବେଳେ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ସରକାର ଗଠନ କଲେ ସେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ ଯେମିତି ଫାସିବାଦୀ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଇଟାଲୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ସେ ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଇଟାଲୀରେ ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକାମୀ କରି ମହାପରିଷଦ ନାମକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଇଟାଲୀରେ ଯେଉଁ ସମାଜବାଦୀ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଚ କଲେ, ସମାଜବାଦୀ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଜବାଦୀ ବା କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଲୋପ କଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର
कथा कहिबार स्वाधीनता उच्छेद कले सार्वजनीन भोट प्रथा को उच्छेद कले बुझिपारे। इटाली रे फासीवादी दल व्यतीत अन्य समस्त दल को उच्छेद कले संवादपत्र स्वाधीनता को उच्छेद कले। यहपर भाव सरकार गठन करिबा परे इटाली रे अनेक परिवर्तन आणिले एवं शेष रे इटाली रे दीर्घ वर्ष काल शासन करी इटाली रो सर्वे सर्वा होले। तो एथि हेला तमरो इटाली रे फासीवाद। सेम टू सेम अच्छे आमर जर्मनी रे नाजीवाद। जेपरी इटाली रे एकछत्रवाद शासन प्रतिष्ठित ने जाय मानुला फासीवाद, सेहीपरि जर्मनी रे जे एकछत्रवाद शासन प्रतिष्ठा हेतिला ता नाम होला नाजीवाद। किंतु इटाली रे कर्णधार थिले बेनितो मुसोलिनी, जर्मनी रे नाजीवादर व नाजी दल कर्णधार थिले एडलफ हिटलर। के थिले हिटलर? आमे समस्ते ना सुनिछि हिटलर। तो जेमिति इटाली विजयी राष्ट्र हेबा सत्वे प्यारी शांति सम्मेलन रु निराश हो फेरिथिला, सेहिपरि जर्मनी विजित राष्ट्र थिले प्रथम विश्वयुद्ध रे हारी जाइथिला। जर्मनी रो काइजर द्वितीय विलियम देश छाड़ी नेदरलैंड चलीगले, फळरे जर्मनी रे राजतंत्र शासन रो पतन घटिला। तो जर्मनी रे राजतंत्र शासन रो पतन परे जेउ साधारणतंत्र शासन प्रतिष्ठा हेला ता नाम कोन बोली कोन गला वेमो साधारणतंत्र। जर्मनी रे एकछत्रवाद शासन परे जेउ साधारणतंत्र शासन प्रतिष्ठा सॉरी जर्मनी रे राजतंत्र शासन परे जेउ साधारणतंत्र शासन प्रतिष्ठा हेतिला ता नाम थिला वेमो साधारणतंत्र। एवं एही साधारणतंत्र बहुदिन चलला ना, यह ठीक भाव कार्य कलानि। तेणु हिटलर नेतृत्व में जर्मनी में एकछत्रवाद शासन प्रतिष्ठा है बुझीगले। हिटलर 1899 मसीह एप्रिल मस 20 तारीख में हिटलर ऑस्ट्रिया देशर एक जर्मन परिवार मध्यरे जन्मग्रहण करथिले। मुसोलिनी परी हिटलर मध्य प्रथम विश्वयुद्ध रे जर्मनी तरफ रु एक सैनिक रूपे कार्य करथिले। 1919 हिटलर श्रमजीवी नामक एक क्षुद्र राजनैतिक दल रे जोग देले। 1921 श्रमजीवी 1921 हिटलर श्रमजीवी दलर नेता हेले एवं से श्रमजीवी दलर नाम कौन बोली रखिले जातीय समाजवादी श्रमिक दल। कौन रखिले जातीय समाजवादी श्रमिक दल बुझीगले। जे दलटी परवर्ती समय रे नाजी दल भाव नामित होता। अच्छा 1923 जेते बेले हिटलर बलपूर्वक जर्मनी रे सरकार गठन करने चाहिए सी कौन करते जेल दंड भोग करने पड़ता। जेल थिबा समय 1923 जेल थिले से गोटे पुस्तक लिखिथिले विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मेकअप पुस्तक बा मोर संघर्ष पुस्तक। से ही पुस्तक मेकअप पुस्तक कौट लिखिथिले जेल रे लिखिथिले के लिखिथिले हिटलर लिखिथिले केबे लिखिथिले 1923 लिखिथिले। एवं एही पुस्तक रे कौन रचना हेतिला नाजी दलर आदर्श नाजी दलर चिंताधारा एवं नाजी दलर कार्यक्रम संपर्क रे लेखा जायतिला बुझि पारले। तो एहिपरि भाव रे 1924 हिटलर जेल रु मुक्त होले एवं जर्मनी रो उन्नति कथा से सब घोषणा कले। तेणु से कौन होते ना प्रभावित हो जर्मनी जो राष्ट्रपति थे हिंडेनबर्ग हिटलर को कौन कले प्रधानमंत्री करने निमंत्रण कले। नाजी दल जर्मनी रे इलेक्शन जो है साधारण निर्वाचन है से निर्वाचन में संख्या गरिष्ठता हासिल कर तथापि हिंडेनबर्ग हिटलर को प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति दे। ठीक से समय हिंडेनबर्ग मृत्यु हो गला फल एक स्वतंत्र आईन प्रणयन करी हिटलर प्रधानमंत्री आगे सी अच्छा ता सहित राष्ट्रपति निजी राष्ट्रपति रूप निजक अलंकृत कल। अर्थात हिटलर जर्मनी प्रधानमंत्री हेले एवं राष्ट्रपति हेले यहपरी भाव में जर्मनी सर्वे सर्वा हेले। जमीती मुसोलिनी इटाली किसी पर आईपरी
जर्मानी रे मध्य हिटलर मध्य किछि परिवर्तन आनथिले कोन कोन करथिले सेम टू सेम अछि सेम अछि सेठ जेमनी जातीय समाजवादी साम्यवादी नेता मान हत्या करथिले एठी मध्य सेमदी समाजवादी साम्यवादी नेता मान हत्या कले हिटलर यहूदी मान हत्या कले समाजवादी साम्यवादी दल गुड़ी को भांगी देले सेमानक संपत्ति बाज्याप्त कले बुझिपारे आ कौन कले लोक मान स्वाधीनता उच्छेद कले नाजी दल व्यतीत अन्य समस्त दल को बेआईन बोली घोषणा कले संवादपत्र बेतारर स्वाधीनता उच्छेद कले एवं भरसाई संधिर शर्त गुड़ी इच्छाकृत भाव उल्लंघन करी राइन नदी कूल सैन्य बाहन सुसज्जित कले एवं द्वितीय विश्वयुद्ध आगे आसले यहपरी भाव जर्मानी सर्वेसर्वा होते हिटलर एवं द्वितीय विश्वयुद्ध प्रस्तुत होते तो पाने आम जहाँ देखने इटाली एवं जर्मानी विषय में इटाली में फासीवाद नेतृत्व नहीं बेनिटो मुसोलिनी एवं जर्मानी में नाजीवाद नेतृत्व नहीं एडोल्फ हिटलर तो ये दुई जन लोक किभली एक छत्रवाद शासन प्रतिष्ठा करते विषय आम पाने बर्तमान आम देखा आम गोटे अध्याय द्वितीय विश्वयुद्ध आम वीडियो क्लास में रिसेंट आम ये पाठटा सरी आम समस्त देखी द्वितीय विश्वयुद्ध कौन ना कहली जेहेतु प्यारि शांति सम्मेलन होता भसाई संधि होता विभिन्न कारण गुड़िक जो द्वितीय विश्वयुद्ध पुणि थे घटी तर प्रथम आम देखा द्वितीय विश्वयुद्ध विभिन्न कारण गुड़िक तार मोट सतट कारण अच्छी प्रथम कारण है प्यारि शांति सम्मेलन त्रुटि फ्रांस तार राजधानी प्यारिस ठारे 1919 मसीहा जनवरी मास 10 तारीख रे विजित राष्ट्र मानक सह किछि आलोचना न करी कोनोसी प्रकार विचार विमर्श न करी मन इच्छा गोटे सम्मेलन अनुष्ठित कला किंतु से सम्मेलन रे ए विजित राष्ट्र मानक ठीक भाव रे निमंत्रण करागला नाही अर्थात देख पिले आम पाई गोटे प्रोग्राम होथच आम को से प्रोग्राम विषय में किसी भी डाटा ताले आमर गुरुत्व रोचे कि नाई सेमती विजयी राष्ट्र माने विजित राष्ट्र मानक कथबार्ता कर सुसंपर्क स्थापन करने एक सम्मेलन अनुष्ठित कले अथच से विजित राष्ट्र मानक कौन प्रकार भूमिका रही था ताकि कौन हम से प्यारि शांति सम्मेलन अनुष्ठित कला सत फ्रांस किंतु कौनसी विजित राष्ट्र मानक विचार विमर्श कला नाही एवं यही प्यारि शांति सम्मेलन जिते राष्ट्र गुड़िक विजित राष्ट्र मैंने आसिले एवं से भल भाव कौन उपयुक्त सम्मान दिगला ना तेणु प्यारि शांति सम्मेलन द्वारा विजित राष्ट्र मैंने असंतोष प्रकाश करते सहित इटाली एवं जापान दुईट जाक प्यारि शांति सम्मेलन जेहतु निराश हो फेरी थे कौन प्रकार लाभ मिल नाला तेणु प्यारि शांति सम्मेलन ही इटाली जापान डिसाइड करते निष्पत्ति नहीं थे जे इंग्लैंड फ्रांस को विरोध करेंगे एवं जर्मानी सह हाथ मिस जर्मानी सह बंधुत्व स्थापन कले केन्द्र शक्ति में जोग दे तो मन रखे इटाली जापान प्रथम विश्वयुद्ध मित्र शक्ति थे कि द्वितीय विश्वयुद्ध में केन्द्र शक्ति इंग्लैंड फ्रांस को विरोध कर केन्द्र शक्ति में जोग देपरी कौन आसाना भरसाई संधि कठोरता प्यारि शांति सम्मेलन अनेक गुड़े चुक्ति स्वाक्षर होता फ्रांस एवं जर्मनी मध्य भरसाई चुक्ति फ्रांस ऑस्ट्रिया मध्य सेंट जर्मन चुक्ति फ्रांस हंगेरी मध्य ड्राइमन चुक्ति फ्रांस बुल्गेरिया मध्य न्यूली चुक्ति फ्रांस तुर्की मध्य सेवर्स और लसेन चुक्ति एमती अनेक चुक्ति स्वाक्षरित होता किंतु सबगुड़ी चुक्ति मध्य सब गुरुत्वपूर्ण एवं दीर्घ चुक्ति भरसाई चुक्ति जो चुक्ति एक तरफा निर्देशात्मक और अपमानजनक प्रति जर्मानी प्रति जर्मानी प्रति कठोरता थिला जर्मानी को अपमान देला भली थिला जर्मानी को निर्देश देला भली थिला तेणु यही चुक्ति द्वारा जर्मानी क्षुब्ध होता जर्मानी अधिवासी माने असंतोष प्रकाश करते द्वितीय विश्वयुद्ध करेंगे आज आसते तृतीय कौन कहला जातिसंघर विफलता जातिसंघ विभिन्न कारण जो विफल होती जातिसंघ थी सत्वे पुणी थे द्वितीय विश्वयुद्ध होती जेहेतु यूएसए जातिसंघर सदस्य रही जेहेतु राष्ट्र मैंने स्वार्थपर मनोभाव पोषण करते जातिसंघर केतेक संविधानिक त्रुटि गुड़िक जातिसंघ रे कौन
জাতিসংঘর এমনি বিভিন্ন কারণ গুড়িক যোগ জাতিসংঘরে সার্বজনীনতার অভাব রয়েছে এমনি অনেক কারণ যোগ জাতিসংঘ বিফল হয়েছিল তেমন যেহেতু জাতিসংঘ বিফল হল তেমন যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হল তারপরে আর কোন কারণ রইল তোমার ফাঁসিবাদী শক্তি মানুষের উত্থান অধিকাংশ দেশের আর্থিক স্থিতি মজবুত করা বা দেশের রাজতন্ত্র শাসন পরে একছত্রবাদ শক্তির উত্থান হয়েছিল বা ফাঁসিবাদী শক্তি গুড়ির উত্থান হয়েছিল যেমনি ইটালির ফাঁসিবাদ এবং জর্মানির নাজিবাদর উত্থান হয়েছিল যেহেতু ফাঁসিবাদী শক্তি গুড়ির উত্থান হয়েছিল তেণু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল তারপরে যা কে তোমার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষের নিষ্ক্রিয়তা রাষ্ট্র মানে কিছু দিন পাই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে কোহল হয়ে গেলে কাহি না সে চিন্তা কলে যদি সে কিছু বি বিরোধ করবে একচ্ছত্রবাদী রাষ্ট্র মানুষ তাহলে হয়তো ফটাফট সাংে সাংে যুদ্ধ ঘটি যাব তেমন সে কিছু দিন পাই যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানে লে ইউএসএ ইংল্যান্ড ফ্রান্স সে কিছু দিন নিরপেক্ষ ভাবে রয়ে দেন আসলে বিভিন্ন আদর্শবাদ মধ্যে সংঘর্ষ সব দুই প্রকার আদর্শ কইলি গোটে হল গণতান্ত্রিক আদর্শ ইউএসএ ইংল্যান্ড ফ্রান্স আগে হল একছত্রবাদী আদর্শ জর্মানি ইটালি জাপান তো সবুবেলে এই দুইটি যাক গোষ্ঠী ভিতরে সবুবেলে সংঘর্ষ চলে সবুবেলে চাইলে কেমি দেশগুলিতে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানে চাইলে কিপর গণতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠা হোক আকছত্রবাদী রাষ্ট্র মানে চাইলে কিপর একছত্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা হোক তেণু তার এক উদাহরণ হল স্পেন রে 1936 স্পেন রে জেনেরাল ফ্রাঙ্কোঙ্ক নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল এবং এই গৃহযুদ্ধ করাইবা ইটালি এবং জর্মানি সম্পূর্ণ রূপে স্পেন কু বা জেনেরাল ফ্রাঙ্কোঙ্ক সাহায্য করে আসলে বিভিন্ন সামরিক মেন্ট গঠন দেখ পিলে সামরিক মেন্ট কহিলে আমি রোম বর্লিন টোকিও অক্ষয় শক্তি বুঝবো 1936 ইটালি এবং জর্মানি মধ্যে যে সামরিক মেন্ট হয়েছিল তাহলে অক্ষয় শক্তি এবং সেই চুক্তি বা সেই অক্ষয় শক্তি 1937 জাপান আসিকি যোগ দেলা ফলে গঠন হল রোম বর্লিন টোকিও অক্ষয় শক্তি তো এই রোম বর্লিন টোকিও অক্ষয় শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় স্বাক্ষরিত হয়ে সামরিক মেন্টর নাম লা তো সেইপরি পিলামানে সেমিতি তোমার ফাঁসিবাদী শক্তি মানুষের উত্থানের কেতোটি এক নম্বর সম্বলিত প্রশ্ন আসব যেমি জর্মানি জাতিসংঘ কেবে ওহরিলা 1933 সেপরি জর্মানি কেবে রাইন অঞ্চল অধিকার কলা 1936 সেইভাবে মিউনিক চুক্তি কেবে হয়েছিল 1938 সেপরি সুদেতান বা চেকোস্লোভাকিয়া কেবে অধিকার কলা জর্মানি 1938 ସେହିପରି ଇଟାଲି ଆବିସ୍ନିଆ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର କଲା 1936 ଜାପାନ ମାଞ୍ଚୁରିଆ କେବେ ଅଧିକାର କଲା 1931 ବୁଝିପାରିଲେ ଏହିପରି ଅନେକ ଏକମାତ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏହି କାରଣ ଭିତରେ ଅଛି ସେହିପରି କେଉଁ ଦେଶ ଜର୍ମାନୀ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସୁଦେତାନ ବା ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ସୁଦେତାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କଲା ସେ ସମୟରେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଜର୍ମାନୀ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତମର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତମର ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାର ପରିସମାପ୍ତି କିପରି ଘଟିଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଫଳରେ ବ୍ରିଟେନ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା ଜର୍ମାନୀକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୋଲାଣ୍ଡ ମାଟିରୁ ଅପସରି ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲା ବା ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ବ୍ରିଟେନ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ତେବେ ସେହିଦିନ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ଏପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଇକ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହାତରେ ଥିଲା
अर्थात 1940 मसीहा बेलू जर्मानी पोलांड चेकोस्लोवाकिया जुगोस्लोविया नॉर्वे डेनमार्क हॉलैंड ए सब अंचल अधिकार कर सारा तापर से फ्रांस रो शहर व फ्रांस रो राजधानी पेरिस को अधिकार कला तापर इंग्लैंड उपर बोमा पकेला किंतु जेतु इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री थिले विंस्टन चर्चिल चर्चिल कम कले जर्मनी कबल रो इंग्लैंड को रक्षा करथिले एमिति युद्ध रो प्रथम पर्याय केन्द्र शक्ति हाथ रे बा जर्मनी इटली जेबो जापान हाथ रे थिला किंतु जेतेबेले रशिया एवं यूएसए मित्र शक्ति रे जोग दिले एमिति आसिले ना 1939 मसीहा अगस्त मास 23 तारिख रे सोवियत रूस एवं जर्मनी मध्य रे एक अनाक्रमण चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला माने केही कहा को आक्रमण करिवे नाही बोली चुक्ति होइतिला किंतु सही चुक्ति रो शर्त को उल्लंघन करी जर्मनी कोन कला 1941 मसीहा जून मास 22 तारिख रे जर्मनी कोन कला रूस उपरे आक्रमण कला फळरे रूस बाध्य होई जर्मनी को विरोध करी मित्र शक्ति रे जोग दैथिला सेपरि युक्तराष्ट्र अमेरिका रो प्रशांत महासागर रे थिबा बंदर नगर हवाई द्वीप रे थिबा बंदर नगर पर्ल हार्बर उपरे जतले जापान आक्रमण कला युक्तराष्ट्र अमेरिका मध्य जापान एबा केन्द्र शक्ति विरोध रे मित्र शक्ति रे 1941 मसीह रे जोग दैथिले एई परिभाव रे यूएसए मध्य द्वितीय विश्व युद्ध रे कौन करथिला मित्र शक्ति रे जोग देला एपरि भाव रे जतले यूएसए एवं रशिया मित्र शक्ति को आसी गले मोट 26 टी देश मित्र शक्ति रे मोट 26 टी देश केन्द्र शक्ति विरोध रे जोरदार युद्ध कले फल रे प्रथमे जर्मनी इटाली रो सैन्य बाहिनी को परास्त कले इटाली रो सिसिली द्वीप को यूएसए एवं ब्रिटेन रो सैन्य बाहिनी आक्रमण कले फल रे इटाली प्रथम 1943 मसीहा रे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध रु हरि पड़ इटाली बाहरी गला इटाली को सब प्रकार सहाय दे जर्मानी तथा इटाली जीति पारानी इटाली हारी एवं द्वितीय विश्व युद्ध रु हरि ला एबे के अच्छा जर्मानी अच्छी एवं जापान अच्छी जर्मानी युद्ध करुची जापान युद्ध करुची किंतु जर्मानी को रुषिया कौन कला चारिया चतुर्पार्श्व धारी दे जर्मानी रो सैन्य बाहिनी गुड़ी को परास्त कला जर्मानी रो राजधानी बर्लिन को ध्वंसस्तूप रे परिणत कला फळरे हिटलर कौन कले हिटलर को नेतृत्व रे जर्मनी युद्ध करुची तेणु हिटलर कौन कले एक आश्रय कक्ष को गले और से आत्महत्या कले के 1945 मसीहा 30 तारिख आश्रय कक्ष को गले आत्महत्या कले फल 1945 मसीहा मे मास 7 तारिख में जर्मनी द्वितीय विश्वयुद्ध रु ओहरला इटाली चलीगला जर्मनी चलीगला तथापि जापान युद्ध रु विरति नेला नाही युद्ध रु ओहरला नाही से अनवरत युद्ध जापान युद्ध करुच्छे तेणु यूएसए कौन चिंता कला जापान को जमीते युद्ध रु बंद कर हरवर अच्छे कौन कला से 1945 मसीहा अगस्त मास 6 तारिख रे हिरोशिमा जापान रो हिरोशिमा शहर उपरे एवं अगस्त 9 तारिख रे जापान रो नागासाकी शहर उपरे परमाणु बोमा वर्षण कला किए युक्तराष्ट्र अमेरिका फल दुईट जाक शहर जापान रो हिरोशिमा और नागासाकी ध्वंस स्तूप रे परिणत होला फल बाध्य 1945 मसीहा अगस्त मास 14 तारिख रे जापान द्वितीय विश्वयुद्ध रु ओहरला एहिपरि भाव रे केन्द्र शक्ति द्वितीय विश्वयुद्ध रे पराजय वर्णन कले तईपर भाव में आम द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो सर तार फलाफल कौन अच्छे आम देखी गोटे अर्थनैतिक राजनैतिक परिणति आ गए क्षय क्षति आ गए अर्थनैतिक राजनैतिक परिणति अर्थनैतिक और राजनैतिक परिणति यहाँ तुम दीर्घ उत्तर फलक अच्छी देख तेणु मन देखिए शुणा क्षय क्षति में बहुत इजी अच्छी आम जाचे जेहेतु यही युद्ध रे प्रथम थर पर परमाणु बोमा व्यवहार होता तेनालीरु तो अधिक विपज्जनक अतीब भयंकर अतीब ध्वंसात्मक युद्ध था यार अधिकांश युद्ध क्षेत्र जेहेतु यूरोप महादेश तेणु यही युद्ध कौन होता ना साधारण यूरोप महादेश विशेष भाव में प्रभावित होता बुझिपारे सेमती आउ कौन ना हजार हजार वर्ग किलोमीटर चाष जमी ध्वंस हो जाता अधिकांश सहर बड़ बड़ सहर गुड़िक गिर्जा विद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय गुड़िक जड़ीपुड़ी नष्ट हो जाता बर्लिन सहर ध्वंस स्तूप परिणत होता
हिरोशिमा नागासाकी सहर ध्वंसस्तूपे परिणत होता अमानुषिक भाव हजार हजार लक्ष लक्ष युद्धबंदी को अत्याचार करहुदी मान हत्या करुद्धबंदी मान हत्या कर हजार हजार कोटी कोटी टंकार धन संपत्ति नष्ट हो जामी अनेक ध्वंस होती अर्थनैतिक राजनीतिक परिणत कौन देखने ना जो द्वितीय विश्वयुद्ध सरला विश्वर प्रथम शक्तिशाली राष्ट्र होता युक्तराष्ट्र आमेरिका और द्वितीय शक्तिशाली राष्ट्र होता सोवियत रूस सब बेले से मध्य कौन है संघर्ष चली ना नहीं कौन देखे आम ना द्वितीय विश्वयुद्ध पर जर्मनी उपर यूएसए रूस ब्रिटेन फ्रांस प्रभाव प्रतिष्ठा होता बुझिपारे फ्रांस और इटाली साम्यवाद प्रतिष्ठा होता से पूर्व यूरोपीय राष्ट्र गुड़िक चेकोस्लोवाकिया बुल्गेरिया पोलैंड नॉर्वे डेनमार्क यह सब देश गुड़िक साम्यवाद प्रतिष्ठा होता जर्मनी को दुईट भाग में विभक्त कराई गोटे पूर्व जर्मनी बा जर्मन गणतांत्रिक साधारणतंत्र एवं अंट है पश्चिम जर्मनी बा जर्मन संयुक्त साधारणतंत्र पश्चिम जर्मनी रे गणतंत्र सत्तार प्रतिष्ठा होता बेले पूर्व जर्मनी रे साम्यवाद सत्तार प्रतिष्ठा होता बुझिपारे से इंग्लैंड रे मध्य श्रमिक मैंने सरकार गठन करते कहाँ नेतृत्व में क्लीमेंट अटली नेतृत्व में इंग्लैंड रे सरकार गठन होता श्रमिक मैंने शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करतेपरी भाव द्वितीय विश्वयुद्ध पर यूरोप्र विश्वर राजनैतिक अर्थनैतिक परिणति यह भाया देखा देता मैं किसी परिवर्तन तो पाने आज आम कालांश सरला तुम जहाँ इतिहास जहाँ तुम रिविजन क्लास था से सब तुम आज परिसमाप्ति घटला तथापि जदि कौन विषय प्रथम रु शेष पर्यंत किसी भी जदि डाउट अच्छी कौन विषय कौन टपिक्र ताहले मत निश्चय फोन कर पचारे आशा करती तुम सब प्रश्न उत्तर पठाई वीडियो कर पठाई प्रश्नावल पठाई निश्चित रूपए लिखिदे जदि भी लिखि ना आज भी समय अच्छे भी दुई तीन घंटा लगे निश्चित रूप खाता लिखिदे परीक्षा समय निश्चित रूप उत्तम भाव पढ़ा खातु पढ़ले ही तुम मन रोचे धन्यवाद।